गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक सोर्सेज ऑफ फंड्स। देन इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस विद यू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सो इफ वी टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड देन वी नो दैट फ्रॉम वेयर वी रेज द फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड मीन्स वेयर वी यूटिलाइज देम। सो फर्स्ट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड फ्रो ऑपरेशन मीनस की है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मीनिंग है भी वो सारे सोर्स जितों अपने फंड नू रेज किया अपने जेडे करंट एसेट्स ने उन्होंने इनक्रीज करन दे लई। दैन हूँ इसका एक परफॉर्मा होंगे है जिसके बेसिस करने ने अगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने ने। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये एक परफॉर्मा दिता हो सारा का सारा जो परफॉर्मा ये लर्न करना पवेगा ता ही तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ने कैलकुलेट होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते क्योंकि इसकी हैल्प के नाल जो तुम इस एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा चंगी तरह। फिर तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पता लग जाएगा भी कि चीज़ को प्लस करना कि चीज़ को माइनस करना है, अदरवाइज ये इंपॉसिबल है करना। तो मैं एक बार तुम दस रही हूँ भी कि चीज़ प्लस करनी है कि माइनस करनी है, बट ट्राई करो भी इसको घट्टो घट दो या तीन बार जरूर रीड करके देखियो। फर्स्ट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। सब तो पहले तो अपने टॉप के क्वेश्चन के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखना उपर सब तो पहला। उस अपने की करना है नॉन फंडड आइटम्स ने जिहड़ियां उन्होंने अपने की करना है प्लस करना है। हुण इस दे विच की हुंदा हैगा लाइक इनटेंजिबल एसेट्स हो गए, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस, डिस्काउंट ऑन इशू, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंट, ये सारे प्लस करने ने। कोई लॉस होंगे तो भी प्लस करते होंगे क्योंकि पी एंड एल होया हों अपना जिम्मे डेबिट क्राइट चीज़ आप ऑपोजिट करते होंगे राइट ऑफ कराने लिए। तो लॉस वगैरह अपने जिन्हें भी लॉसिज ने उन्होंने भी अपने की करना प्लस करना है, डिविडेंट वगैरह भी प्लस करना है। ये माइनस की करना अपने प्रॉफिट्स में माइनस करना, दैन डिविडेंट रिसीव माइनस करना है। बस ये याद रख लो एक छोटी जी गल भी ये ऑपोजिट होंगे, जे लॉस हो गया ये नहीं सोचना अपन माइनस करना है प्लस करना है क्योंकि वह पी एंड एल आइटम चुकिया हुए होंगे ने अपना जो इतने पोस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में जो अपने पोस्ट प्रॉपरली करना उन्होंने अपने लिए राइट ऑफ करना जरूरी होंगे। जो आप राइट ऑफ करते हैं फिर प्लस माइनस माइनस प्लस साइन चेंजस हो जाते हैं, तुम्हें इन्ना तो पता ही होना। दैन मेन गल सिर्फ इन्नी याद रख लो भी गुडविल हुई, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट, प्रोविजन, ये सारे प्लस होंगे। दैन लॉस प्लस होंगे, ये प्रॉफिट माइनस होंगे, जो कोई डिविडेंड रिसीव हो माइनस होगा। दैन उस तो इलावा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अपने को एक इलस्ट्रेशन है, इस अपने की करना फंड फ्रॉम ऑपरेशंस नू कैलकुलेट करना है। सब तो पहले मैं तुम जिम्मे परफॉर्म है उन्होंने एक बार रिवाइज करो मैं कि है भी नैट प्रॉफिट, ओपनिंग बैलेंस, उस दे विच कोई भी गुडविल, ट्रेडमार्क है, कोई भी रिजर्व वगैरह ने उन्होंने प्लस करना है, कोई भी तो प्रॉफिट हो गया उन्होंने माइनस करना है, इन्ना तो पता है। हुण नैट प्रॉफिट किन्ने दा है 650 का, मीनस 650,000 है। उस तो बाद किया देखो तुम इस पहले तो लाइन वाइज पढ़ना ट्रांजैक्शन में, यी भी मैं पहला प्लस करना माइनस करना, तुम लाइन वाइज पढ़ना पहले क्वेश्चन में पिकआउट कर लेने ट्रांजैक्शन भी कि मैं हूँ पाने कि मैं ये बाद पानी है, एक सीकुएंशियल मैनर पाना, यही भी पहला प्रॉफिट्स पाते पहला लॉसिज पाते। सब तो पहले नैट प्रॉफिट पाना है, नैट प्रॉफिट के मैं की गल दसी थानू भी कोई गुडविल, पेटेंट है, कोई रिजर्व है उन्होंने प्लस कर रहे तुम। नैक्सट थोड़े को आ गया गेन, गेन तुम पाने इतने गेन में स्किप कर दो। दैन गुडविल है, गुडविल किन्ने की है 180,000 की है, ये की होगी 10% राइट ऑफ होगी, तो 180 का 10% कि करोगे तुम 18,000। गुडविल मैं की होंगी है प्लस होंगी है। नैक्सट इज ओल्ड मशीनरी 8,000 हैज़ बीन सोल्ड फॉर रुपीज 6,500। हूँ देखो 8,000 वो कॉस्ट से थानू 6,500 की ही सेल कर पाई, मीनस सू हो चुके वो उपर लॉस हो चुका 1,500 का, लॉस में की क्या कि होंगे प्लस होंगे, हो गई एंट्री सारिया। उस तो बाद कि रुपीज़ 1,25,000 हैव बिन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मैं पहला ही दस चुकी थानू भी जो जनरल रिजर्व होंगे वो भी की होंगे प्लस होंगे, तो 125 में भी की कर दोगे प्लस करोगे। दैन डेप्रीसीएशन तुहाडे कोल 6,50,000 की, बट उसके उपर की होया थानू मशीनरी तो फर्नीचर 20% कॉस्ट, तो 650 या 20% कॉस्ट करके तुम करोगे इसको भी प्लस करोगे। तब देखो पिछे बचा कि तो एक गेन होया जो माइनस करना है,
सिर्फ गेन ही बचा सी, होर तो कुछ है नहीं सी। तो ये गेन नू की कर दोगे, माइनस कर दोगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन साडा आ जाएगा। तो इस तरह तुसी की करना है, जे तुसी अपना एग्जाम दे विच क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करके देखो, सॉल्व करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से अल्टरनेटिव बेसिस से करो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। नैक्सट क्लास के नैक्सट टाइप करा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। थैंक यू।